एक किलो भी। ओके, एक अपडेट। ये जो मेरा फोन है ये एक्चुअली बाइक चलाते चलाते गिर गया था। मैं जिम के लिए निकला और गिर गया, क्योंकि यहाँ पे इतने प्यारे खड्डे हमारे यहाँ पे, वो रोड अब तक बनी रहा है और उसमें से उछल कर मेरे जेब से कब निकला, जिप लगी थी, कब गिरा कुछ समझ नहीं आया। मैं जिम पहुँच गया और कैसे कैसे मैंने फ़ोन लगाया, पर कुछ भले लोग को मिला, उन लोगों ने फ़ोन को घर पे रखा, चार्ज भी किया और मेरा फ़ोन उठाया भी और मुझे वापस भी कर दिया। जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है, ऐसे लोग भी हैं, वरना यहाँ पे आजकल अगर फ़ोन गिरा तो गायब हो जाता है। आज बहुत जल्दी जल्दी में था मैं, तो ये हादसा हो गया, वरना ऐसा कभी होता नहीं है। मेरा फ़ोन मोस्टली बैग में होता है, तो अभी ज़रा जिम जाता हूँ, जिम जाकर मैं आपसे पूरी बात करता हूँ। तो आ गया मैं जिम में और अभी बैक कर रहे हैं। एक हफ्ता बाकी है, प्रॉपर मंडे है, संडे को हम लोग का शो है और इस बार थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 75 के बाद में वेट क्लास नहीं है, पूरा ओपन है। मतलब 75 के ऊपर जितने लोग हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी हैवी बॉडी बिल्डर रहेंगे, सब लोग एक साथ खेलेंगे। मतलब सर और मैं इस बार एक ही स्टेज पर एक साथ। वर्कआउट खत्म, बैक हुआ आज, दिखा नहीं पाया बिकॉज हालत नहीं है, एकदम लो, मतलब एकदम लो था। फिर सुबह के टाइम पे थोड़ा सा काम है, उसके बाद वो भी शायद मैं पर बंद कर दूँगा, कल ही बंद कर दूँगा मुझको, एकदम जीरो काम पे। और फ्राइडे सैटरडे हम लोग फिर लोड करेंगे काम कॉन्टेस्ट के पहले तक। तो इस बार प्रोटोकॉल दूसरा है, लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा था और बाद में हम लोग कापअप करेंगे जो यूजली करते हैं। ज़रा वापस से कार्डियो, दिन में तीन बार कार्डियो सुबह हमने ऑलमोस्ट एक घंटा किया कार्डियो, उसके बाद में अभी कार्डियो है, अभी 15 मिनट करूँगा, ज़्यादा नहीं ऐप मानना है। फिर रात में वापस कार्डियो, आधा घंटा जितना कार्डियो करो उतना कम है, जो इतना काम में चाहिए। प्लस दो टाइम वर्कआउट किया, अपना काम भी है, पीटी भी लेना है, सब कुछ बस ऐसे जा रहा है। ये एकदम पीछे किया था, थोड़े दिन में एक दो दिन में ये भी और अंदर चल रहा है, बट बस थोड़ी फुलनेस है बॉडी पहले सच। लेट्स सी, अभी भी थोड़ा मिड सेक्शन का टेंशन है, बट वाटर भरा है, पर थोड़ा अच्छा हो गया मिड सेक्शन का, और कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है मेरे मिड सेक्शन के। अपडेट, तो ये दो दिन बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और दो दिन से मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। आई डोंट नो व्हाट क्या हुआ, बट मेरा पूरा बॉडी ब्लोट हो गया था, आई वॉज काइंड ऑफ डिप्रेस, तो मेरा कोई मन नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का। पूरा टाइम मैं अपने बॉडी के पीछे ध्यान दे रहा था, खाने का ये वो बहुत कुछ। फाइनली थोड़ा वापस बैक टू ट्रैक हुआ और अभी एक दो तीन चार दिन बाकी है शो के लिए। बस अभी शाम को आया हूँ यहाँ पे, अभी पीटी दे रहे हैं। यस, बीच में मैंने पीटी बंद कर दी थी लेनी एक दो मैंने, बट अभी धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे फ्री टाइम है वहाँ कर रहा हूँ। तो अभी बस क्लाइंट अपने आ रहे हैं, उनकी बॉटल है, पीटी लेंगे उसके बाद अपना वर्कआउट शुरू करेंगे। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बता रहा था कि शी इज़ माई क्लाइंट, ओके, खुशहाली, शी इज़ अ योगा टीचर, ऑनलाइन सिखाती है, ऑनलाइन क्या ऑफलाइन भी। तो फिलहाल इनकी अभी शादी होने वाली है अगले 2 महीनों में, एंड वी आर वर्किंग ऑन अ फिजिक। तो क्या आपको कैसा लग रहा है मेरे साथ वर्कआउट करके, वर्थ है? ओके, थैंक यू। तो अभी हम लोग आगे वर्कआउट शुरू करने वाले, ठीक है, लैट पुल डाउन आराम से, ठीक है, गो कॉन्ट्रैक्ट कर, एल्बो से पुल कर, गुड जॉब, गो ज्यादा ओपन नहीं, 10, 1, 3, 4, 5, सामने देख, 6,
7. 3 more. Bye. पीटी खत्म हो गया है, अभी बस यहाँ पे कैंटीन में बैठा हूँ। बस अभी जरा अपना मील खाएंगे और वर्कआउट के लिए रेडी होगी। मील में अभी 10 एग वाइट्स लिए मैंने और पपाया। कार्ब्स बहुत ज़्यादा लो है, हालत बहुत ज़्यादा खराब है, दिमाग काम नहीं कर रहा। ओके, सो दिस इज माय कंडीशन इन मॉर्निंग। सही है, अभी यहाँ से सिर्फ 3 दिन बचे पहला शो खेलने के लिए और यहाँ से कंटिन्यू होने वाला है एक के बाद एक शो, तो यहाँ से कंडीशनिंग जो है मेरी बहुत बेटर होगी। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्या क्या हुआ मेरे साथ में, तो ये हफ्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में गुजरा मेरा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था, कैसे करूँगा करके। सो ओके, होता है, ऐसा लग रहा है कि फिलहाल अभी बैक ऑन ट्रैक और इतना बुरा भी नहीं होने वाला है। देखो ऐसे में से भी जीतने का असर तो नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत सारा जो कैटेगरी है सीधा 75+ पे और सब लोग खेलने वाले, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर से लेके सब लोग, जितना हो सके उतना अपन पोज वोज मार के दबा के आ जाएंगे सर, और मैं सेम स्टेज शेयर करने वाले, तो मज़ा आएगा। और मेरा आज से चालू हो गया कार्ब लोडिंग, पहला मील तो अपन खाएंगे भाई ओट्स। और अभी से मैं अपना दूसरा मील भी बना रहा हूँ। 150 ग्राम चिकन विथ लिटिल वेजीज, मतलब कैप्सिकम, ये बेल पेपर जो है वो डाल के अच्छे से रोस्ट कर लिया उसको, नो ऑयल। और साथ में 120 ग्राम ऑफ राइस। अब इस पर मारेंगे तड़का पिज्जा और ओरिगैनो। अब ये ज़्यादा नहीं मारना है क्योंकि इसमें भी बहुत सारा नमक है, बस सीजनिंग के लिए, थोड़ा टेस्ट के लिए। अच्छे से मिक्स कर दो और अपना मील तैयार। अगर लास्ट टाइम याद रहेगा तो मैंने कोई कार्ब लोडिंग नहीं की थी क्योंकि वेट का बहुत इशू था, वेट बहुत नीचे लेके आना था। इस बार ऐसा नहीं है, मुझे तो फिलहाल मेरा करंट वेट भी पता नहीं है, मैं सिर्फ कंडीशन पे चल रहा हूँ। मोस्टली 85 के नीचे ही आऊँगा, 80 तक तो जा भी नहीं पाऊंगा मुझे लगता है। 3-4 ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 किलो। अब जब एक्सेसिव वाटर जब निकलेगा कल परसों, आज से चालू हो गया वाटर निकलना वैसे भी, तो अच्छा खासा ड्राइवनेस आ रहा है धीरे धीरे। अभी से दिन में यही रहेगा, थोड़ा कार्ब्स बढ़ते जाएगा और प्रोटीन कम होती जाएगा। अभी जो मेरा पहला मील होता, मैं हमेशा हमेशा ओट्स रखता हूँ, दो रीज़न। पहला रीज़न, मुझे ओट्स पसंद है और साथ में प्रोटीन डाल के जब मिलता है तो स्वाद कुछ अलग ही रहता है, सुबह सुबह मीठा खाने का मज़ा आ जाता है। कभी चॉकलेट प्रोटीन, कभी कोई अलग फ्लेवर, कभी कोई अलग फ्लेवर, कभी कुकी क्रीम, तो मोस्टली मैं ओट्स ही खाता हूँ। तो अभी मैंने ओट्स को ऑलरेडी गर्म करके रख दिया था 1 मिनट, उसको अच्छे से पका लिया और अच्छे से मिक्स भी करके इसको रख दिया है, तो देख सकते हो पक गया है। और साथ में वे प्रोटीन इसलिए क्योंकि वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है और आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। जस्ट कार्डियो किया है तो उसके बाद तो बनता है, जस्ट कार्डियो किया है उसके बाद जो मेरा मील है मुझे जल्दी से जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब चाहिए भाई प्रोटीन सारा, अपना पूरा डेली का जो प्रोसेस है वो चालू हो जाए। अब प्रोटीन में तो पता है आपको कौन सा लेता हूँ मैं, एज इट इज़ का एटम वे प्रोटीन विद एंजाइम ब्लेंड, बट ये वाला थोड़ा अलग है। ये वाला जो फ्लेवर है मलाई, मावा मलाई, ये एक नया फ्लेवर है और मैं इसको नहीं बोलकर भी एक हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ। बीच में थोड़ा बंद करना पड़ा बिकॉज अपने को ओट्स अलाउड नहीं था। 4-5 दिन अपन एकदम जीरो काप पे थे, तो कुछ नहीं काप्स खाया अपन ने, तो प्रोटीन पिया है मगर मैं नहीं, पर 3 बार यही प्रोटीन पीता था। बट इसको ओट्स के साथ डाल के जो मज़ा आता है ना, मैं बता नहीं सकता आपको, लिटरली लगेगा आप खीर खा रहे हो खीर, क्योंकि इसका टेक्सचर वैसा है, इतना मीठा। और सुबह सुबह अगर आप उसको ओट्स में, गरम गरम ओट्स में डालकर आप मिक्स करके खाओगे, और अगर थोड़ा सा पीनट बटर भी डाल दोगे उसमें, तो सीरियसली ब्रो ऐसा लगेगा आप खीर खा रहे हो सुबह सुबह। तो अभी अपन इसमें से लेंगे पहला 1 हीपिंग स्कूप और इसको अपन इस पर बस छिड़क देंगे। बाकी ओट्स गर्म करने के बाद है ना, आपके ओट्स में ऑलरेडी पानी होता है तो आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है। लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पानी डाल के हमेशा इसको इतना पतला कर देते, बाद में कंप्लेंट करते हो क्या है ये तो इतना पतला हो गया, ये हो गया वो हो गया। भाई बनाना सीखो पहले। अगर मैं इसको देखो अभी चाड़ा है, अभी मैं इसको मिक्स करता रहूँगा 1 मिनट हो आता हो बताओ। कोई एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जितना भी ओट्स में पानी था, ओट्स में जितना भी गर्म किया था पूरा का पूरा उसने सोख लिया और एकदम थिक टेक्सचर बना के दिया। अब ये खीर नहीं लग रही है तो क्या लग रहा है पता नहीं। आप अगर ऊपर से एलमंड्स डाल दें 4-5 या फिर अखरोट या ऐसा कुछ डाल के खाओ तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा विद पीनट बटर। तो अभी खाते हैं पहला अपना मील, फर्स्ट मील ऑफ द डे, फर्स्ट कार्ब्स आफ्टर 4 या 5 डेज। तो यम्मी, बहुत ज़बरदस्त। कंप्लीट करके बात करो, और इसकी बेस्ट पार्ट ये है, हमेशा मेरा चॉकलेट वाला ना पूरे बाउल में चिपक जाता था, तो मेड तक कंप्लेंट करती थी कि ज़रा भाई पानी डाल दिया करो ताकि
चिटके ना, मुझे निकालने बहुत प्रॉब्लम होती है, इसमें तो कुछ भी नहीं होता। अब जरा प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, ये एज इट इज का जो एटम प्रोटीन है विथ एंजाइम ब्लेंड, इसके बारे में मैंने बहुत बार बात की है। ये एक ब्लेंड प्रोटीन है जो आता है वे कॉन्सेंट्रेट और वे आइसोलेट के साथ में। इसमें आपको 27 ग्राम से ज्यादा आपको प्रोटीन मिलता है इन जस्ट वन स्कूप। इसमें आपको 12.2 EAA मिलता है, 5.7 ग्राम ऑफ BCAA मिलता है, 4.5 ग्राम ऑफ ग्लूटामाइन मिलता है, कार्ब्स लगभग 4 ग्राम और फैट तो ना के बराबर। तो ये एक आइडियल वे प्रोटीन है, इसको मैं हमेशा यूज कर रहा हूँ और कब से यूज कर रहा हूँ आपको भी पता है, साल हो गए और सालों से यही यूज़ करता रहा। ये एक यूज़ करता हूँ मैं और एक आइसोलेट यूज़ करता हूँ, 1 kg ये 1 kg वो। इसको मैं इसलिए ज़्यादा यूज़ करता हूँ, पहले मुझे लगता था कि भाई मुझे सिर्फ आइसोलेट यूज़ करना चाहिए बिकॉज मुझे मेरे पेट में बहुत प्रॉब्लम होती है, ब्लोटीनेस होता है, बट इसमें एंजाइम ब्लेंड होने के कारण वो मुझे नहीं होता है, ना ब्लोटीनेस होता है। तो नॉर्मल वे प्रोटीन में कॉन्सेंट्रेट कभी पचा नहीं पाता था जल्दी, ये ब्लेंड है और प्लस एंजाइम ब्लेंड है तो इसकी वजह से इसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है, ना कि ब्लोटीनेस भी ज़रा भी नहीं होता है। मिक्स होकर जो थिक टेक्सचर देता है वो अलग, तो पीने में ज़्यादा मज़ा आता है और लम्स भी नहीं छोड़ता। बाकी हैवी मेटल टेस्टेड है, डो फ्री है और GMP सर्टिफाइड है, ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड भी। वैसे तो इसमें बहुत सारे फ्लेवर है बट अभी मावा मलाई जो है वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट होगी। तो आप भी जरूर ट्राई करो मावा मलाई फ्लेवर अपने ओट्स के साथ में और मुझे कमेंट करके जरूर बताना या DM करके जरूर बताना कि आपको ये फ्लेवर कैसा लगा, आपको खीर जैसा लगा या कुछ और या रबड़ी जैसा, आई डोंट नो। अच्छे से बनाओगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप जरूर चेकआउट करो। और एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट के लिए आपको पता है क्या करना है, वसिंस एज इट इज़ ये कूपन कोड आप डालोगे आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट मिल जाएगा ओनली ऑन एज इट इज़ की वेबसाइट पे। अभी फिलहाल अपन तैयार होते हैं और आगे की प्रिपरेशन करते हैं, अपने को निकलना है जिम और शायद मैं मील कैरी करूँगा। वर्कआउट हम लोग का 12:30 तक चालू होता है तो वहाँ जाकर ही मैं खा लूँगा मील। तो आज चल रहा है हम लोग आंसू वर्कआउट, म्यूज़िक बहुत ज़्यादा लाउड है और गले से आवाज़ भी निकल रही है, इसलिए थोड़ी देर के बाद बात करते हैं। लेकिन अभी कार्डियो और एब्स में कर रहा हूँ, रात में करूँगा बिकॉज अभी नमाज है ना, लेट हो गया ऑलरेडी। और फरहत भाई के लिए रुका हूँ और ये देखो सूजन देख रहा हूँ, अभी तो कुछ नहीं है फिलहाल, उतर गई वरना टाइम मेरा सूच के पकौड़ा हो गया वापस से। हाय जबरदस्त थक गया भाई। अभी आप सोच रहे होगे मैं तो जिम से निकला था फिर मैं अभी वापस घर पे कैसे, ये पूरा दिन निकल चुका है, मुझे व्लॉग करने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि आके पहले मुझे नमाज पढ़ना था, नमाज पढ़ कर आया, मील खाया, मील बनाया, मील खाया, फिर एक मील और रेडी किया, फिर उसके बाद एक और मील रेडी किया, फिर PT देकर अपना मील खाकर फिर वर्कआउट किया, फिर आज मैं इरिन को मिलने गया क्योंकि कितने दिन हो गए मुझे पता नहीं, मिला ही नहीं था, मेरे दिमाग से निकल गया और इरिन मुझे बहुत याद कर रहा था, इरिन से मिलकर उसके बाद खेलकर अभी मैं रात के 12:30 बज रहे और घर पर आया हूँ। अभी मुझे कार्डियो करना बाकी है, कार्डियो करना है और फिर एक और मील खाकर सोना है। और कल से पानी, मतलब आज तो 1 लीटर था, 1 से थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट कल मुझे एक 0.5 लीटर की बोतल लेके घूमना पड़ेगा, पूरा दिन वो ही पीना है और परसों तो कुछ भी नहीं। तो कल का रूटीन ये है कि कल हमको जाना है, पहले टैनिंग करनी है, टैनिंग करने के बाद में वर्कआउट करना है, वर्कआउट के बाद में स्टीम लेंगे, स्टीम लेके फिर हम निकलेंगे कंपटीशन के लिए। अब ये जो कंपटीशन है ये हमारा नहीं है, ये आसिफ का है, कल मेन फिजिक का है, तो हम लोग सब लोग जा रहे हैं साथ में, तो वहीं मील खाकर 8 बजे तक मील कंप्लीट करना है और उसके बाद संडे हमारा रहेगा जिसमें नो पानी, बेटर है कि अभी थोड़ा थोड़ा कार्ब लोड कर रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है बट आंखें देख के समझ सकते हो कितना थका हूँ मैं। अभी सीधा मैं मिलता हूँ सुबह और सुबह उठकर भी मुझे पूरे मील प्रेप करने, अरे बाप रे बाप बहुत काम है। आप यकीन नहीं मानोगे ये वीडियो जो है ये 1 हफ्ते के ऊपर पुराना वीडियो है और अब तक एडिट नहीं हुआ है, समझ रहे हो क्या अलग लेवल का फ्रस्ट्रेशन हो रहा होगा मुझे कि एक वीडियो में जो शूट करता हूँ 1 हफ्ते ऊपर, एक्चुअली 10 दिन पहले, और मैं इसको 10 दिन लगा देता हूँ सिर्फ एडिट करने के लिए क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। बाप रे बाप, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतलब मैंने इतना टाइम ले लिया कोई चीज़ के लिए, तो इसके लिए आई एम सो सॉरी
जैसा तैसा मैं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है भाई, ऐसा भी टाइम आएगा मैं सोचा नहीं था कि मेरे पास टाइम नहीं रहेगा कभी। आधे आधे घंटे निकाल के मैं एडिट कर रहा हूँ, आधा आधा घंटा, फिर उसमें प्रोसेस भी हो रहा है, उसमें सब कुछ हो रहा है बैकग्राउंड में, ये वो आधा घंटा कैसा कैसा निकाल के जब टाइम मिला तब कर रहा हूँ। अब फिर भी ये वीडियो जो है कंप्लीट नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा लंबा खींच गया क्योंकि मैं इसमें अगर दूसरे दिन का डालूंगा तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आधे घंटे के ऊपर निकल जाएगा आसिफ का कॉम्पिटिशन। फिर उसके बाद हम मेरा है, सर का, दीपक का, हम तीनों का भी है, तो मैंने बहुत सारा शूट करके रखा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको पार्ट्स में डालूँ बेटर रहेगा एक 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 करके। तो ये वाला वीडियो यहीं तक रखते हैं, इसको सेकंड पार्ट में मैं कंटिन्यू करता हूँ उसके दूसरे दिन वाले से। उस दिन भी हम लोग की जो हालत ख़राब हुई वो तो देखना बनता है कि कैसा रहता है। खुद प्रेप पे होके खुद पानी बंद करके दोस्त के लिए हम लोग उसके कॉम्पिटिशन के लिए, फिर वो दूसरे दिन हमारे लिए आया और उसमें हमारे पास एक छोटा सा नन्ना मेहमान भी आया था हमारा देखने के लिए कॉम्पिटिशन, तो वो तो देखना बनता है। तो ये वीडियो अभी सुबह सुबह जा रहा है और इसके बाद वाले जो वीडियो है वो रात तक मैं कोशिश करूँगा कैसे भी डाल दूँ क्योंकि मुझे शाम में टाइम मिलेगा अगर कुछ काम नहीं आया तो, अगर मेरा पीटी लेट नहीं हुआ तो, इसलिए मैं ज़्यादा पीटी नहीं ले रहा हूँ। जैसे ख़त्म होगा फेब उसके बाद अपन धीरे धीरे सब चालू कर देंगे। जिन लोगों की भी इंक्वायरी है, जिन लोग जो जो मुझे DM कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं भाई कि PT का क्या है, आप क्या करते हो, PT किधर लेते हो, या फिर ऑनलाइन PT का क्या है, आप कैसे लेते हो, सब बता दूंगा। एक महीना का वेट कर लो, बस एक महीना, क्योंकि अभी मैं सिर्फ दो तीन उससे ज़्यादा नहीं ले पाऊँ, टाइम नहीं है। और मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि भाई, और मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि भाई मैं वर्कआउट चालू किया एक घंटा हो गया मेरा काम ख़त्म, मैंने पैसे ले लिए मैं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता भाई। शुरुआत की है तो ख़त्म भी करके जाता हूँ पूरा, तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कभी 1.5 घंटा, कभी 2 घंटा एक एक क्लाइंट के साथ। यस, इसलिए PTs अभी फ़िलहाल के लिए बंद रखिए, मार्च में सारी खुल जाएगी, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ऑफलाइन में 2 जगह करा सकता हूँ मैं, एक एक्चुअली 3 जगह, एक पवई इंडस, दूसरा रुबाइनस कांदिवली, तीसरा महावीर नगर J9। तो आसपास कोई अगर रहता है वो जिम के आसपास और उनको PT चाहिए, कॉन्टैक्ट करो, मेल कर दो, ईमेल आईडी आपको पता रहेगा, iamwaseemsheikh@gmail.com, यहाँ पे करो इंक्वायरी डालो, आपको रिप्लाई ज़रूर आएगा। या तो इंस्टाग्राम पे DM करो, वहाँ थोड़े लेट रिप्लाई आते क्योंकि मैं ज़्यादा चेक नहीं कर पाता, फ़ोन मेरा लॉकर में होता है मोस्टली। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और कॉमेंट करके ज़रूर बताना कितना गाली देने का मन कर रहा है मुझे मुझे खुद को देने का कर रहा है। तो आई एम सो सॉरी, फिर से ये एक के बाद एक मैं डालते जाऊंगा और फिर सब वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपको नए ब्लॉग में बताऊंगा कि अगला कॉन्टेस्ट कभी और ये सब कैस कब खत्म होने वाले और कितने कॉन्टेस्ट है मेरे, कि जैसे अभी एक हफ्ते बाद मेरा यही हफ्ते में मेरा कॉन्टेस्ट होने वाला था जो कि स्किप हो गया है और उसका डेट कुछ डेट नहीं, एक्चुअली वेन्यू चेंज हो गया, तो बहुत ज़्यादा दूर है, तो हम लोग ने सोचा स्किप करते हैं, उसके बाद वाला खेलते हैं जो कि यही थाने में, और एज इट इज का एटम मावा मलाई फ्लेवर जरूर ट्राई करना, पर्सनल रिकमेंडेशन है, याद रखोगे। ओट्स के खाने के लिए मैंने नया वाला स्टैक में डाल भी दिया है, सिर्फ और सिर्फ 1 किलो मैंने मंगाया ओट्स खाने के लिए बस। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।